देखिए, ये उत्तराखंड हमारा पहाड़ी प्रदेश है और जाहिर सी बात है कि हमारे पहाड़ के लोग यही चाहेंगे कि हमारा चेहरा हो। सीएम का चेहरा एक बहुत बड़ा चेहरा है किसी भी स्टेट के लिए। और आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, तो आम आदमी पार्टी शुरू से कहते चल रही है और केजरीवाल जी ने भी ये डिक्लेयर किया था कि पहाड़ की राजनीति और पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनको सारा कुछ देखते हुए पहाड़ के लोग ही उसको देखेंगे और पहाड़ के लोग ही वहाँ राज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कनल कोठियाल एक ईमानदार छवि के व्यक्ति, कर्मठ, और जिन्होंने आपने देखा होगा कि केदारनाथ में आई आपदा को जिस तरह संभाला, मेरे ख्याल में सरकार भी फेल हो चुकी थी और दोनों सरकारें फेल हुई हैं, एक भी नहीं। तो कनल कोठियाल वो चेहरा है जिसे सीएम का चेहरा अगर घोषित किया जाता है और घोषित किया भी गया है तो मेरे ख्याल में उत्तराखंड की जनता को उनका स्वागत करना चाहिए। और स्वागत भी ऐसा होना चाहिए कि जब हमारी सरकार बने तो वाकई जिन चीज़ों को लेके हमारे शहीद इन्होंने शहादत दी थी उसमें उन लोगों को राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता इस बात से खुश है कि कर्नल कोठियाल जैसे ईमानदार व्यक्तित्व के और ऐसी छवि के आदमी सीएम का चेहरा घोषित होते हैं तो सबको राहत मिलने वाली है। और जो ख्वाब केजरीवाल जी का भी है उत्तराखंड के लिए और आम जनता का और हमारे शहीदों का जो ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है।